नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भूबिया। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है। सीमाओं से लेकर गांवों कस्बों तक पूरे देश में यह त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन यूपी के दो गांव ऐसे भी हैं जहां रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। सदियों से इस गांव में राखी बेचने वाले तो आते हैं लेकिन उसके खरीदार नहीं मिलते। मुरादाबाद के सुराना और सुराठी गांव के छाबड़ी गोत्र के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते। इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार छत्र सिंह ने यहां डेरा डाला था। उनके बेटे थे सूरजमल राणा और सूरजमल राणा के भी दो बेटे थे, विजय सिंह राणा और सहोरण सिंह राणा। विजय सिंह राणा की पत्नी का नाम था जसकौर। यह वो दौर था जब महान शासकों में से एक मोहम्मद गोरी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। जैसे ही गोरी को भनक लगी कि हिंडन नदी से सटे गांव में पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार रहते हैं, तो उसने उस गांव पर हमला कर दिया। हंसते खेलते गांव में अब चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ये दिन था रक्षाबंधन का दिन और इस हमले में विजय सिंह राणा की भी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर विजय सिंह राणा की पत्नी जसकौर सती हो गई, जिसकी समाधि आज भी गांव में मौजूद है। इसी वजह से यहां के लोग रक्षाबंधन को अपशगुन मानते हैं, इसीलिए रक्षाबंधन भी नहीं मनाते। इस हमले के बाद ये गांव तो रक्षाबंधन नहीं मनाता। लेकिन आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई कहानी हो, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और रोचक किस्सों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।